नमस्कार, मैं अनीता कुमारी हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर से हूँ। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट पर अपने जिले और विद्यालय के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हमारा जिला ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों और घने वनों से घिरा है। यहाँ के रास्ते काफ़ी कठिन हैं। हमारा जिला उपजाऊ भूमि, फलों और देवी देवताओं की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर सेब, खुमानी, दाख, न्योज़ा, बादाम और काले अंगूरों की वजह से प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ के जो सेब हैं और सूखे फल हैं वो विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। हमारा जिला किन्नौर 3 भागों में बंटा हुआ है, अपर किन्नौर, मध्य किन्नौर और लोअर किन्नौर। हमारे जिले का मुख्यालय रिकांगपियो में है। मैं प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से कार्यरत हूँ और मैंने बीएड तक की शिक्षा ली हुई है। इस समय मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला छालंगी उरनी में कार्यरत हूँ और जो उरनी गांव है वो NH से लगभग 16-17 किलोमीटर दूर है। परंतु यहाँ पर पुराने समय का जो तिब्बत रोड था वो इसी गांव से होकर जाता था, तो यहाँ पर सड़क है और हमें आने जाने के यातायात के साधनों की कठिनाई नहीं होती है, हम आसानी से आ जा सकते हैं। यहाँ के अधिकतर लोग बागवानी और खेतीबाड़ी करते हैं और यहाँ पर जो गांव है वो काफ़ी बड़ा है और बहुत सुंदर भी है। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि होने की वजह से यहाँ किन्नौर में भी प्रत्येक गांव में देवी देवताओं के मंदिर पाए जाते हैं। और जो हमारा गांव है उरनी, यहाँ पर भी श्री बद्री नारायण जी का मंदिर है और वो बहुत ही सुंदर और पुराना है। हमारे यहाँ के लोगों की अधिकतर आस्था, सभी की आस्था देवी देवताओं पर बहुत ज़्यादा है और आस्था ज़्यादा होने की वजह से सभी लोग देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा मानते हैं और मान्यता के कारण सुबह शाम प्रतिदिन अच्छे से देवी देवताओं की मंदिरों में पूजा की जाती है। मेरे विद्यालय में इस वर्ष लगभग 38 बच्चे हैं और जिसमें से 27 बच्चे प्राइमरी में हैं और 11 बच्चे प्री प्राइमरी में हैं। लगभग 80% बच्चे पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि उनके जो अभिभावक हैं वो पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूक हैं, वो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं और हमारा भी साथ देते हैं। कुछ बच्चे कमज़ोर भी हैं जिनके लिए क्योंकि उनके अभिभावक कम पढ़े लिखे हैं और वो बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, तो हमें बच्चों के लिए मैक्सिमम सभी बच्चों के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ बच्चे जैसे घर का काम, स्कूल से दिया हुआ जो घर का काम है वो करके नहीं आते हैं, कुछ बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो हमें स्कूल का जो घर का जो काम है वो भी स्कूल में करवाना पड़ता है और माँ बाप को बार बार जागरूक करते रहना पड़ता है कि आपका बच्चे में ये प्रॉब्लम है, ये कमज़ोरी है, आप उनका ध्यान दो। और उनको पढ़ाने के लिए, उनको चीज़ें सिखाने के लिए भी हमें नए नए टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। इस वर्ष मुझे भी प्री श्री अरविंदो सोसाइटी के अंतर्गत दूसरी बार सेमिनार अटेंड करने का मौका मिला और जो ये दूसरी बार था ये ऑनलाइन ट्रेनिंग थी, तो इसमें भी मुझे मौका मिला तो मैं जिसमें श्री अविनाश जी और श्री विवेक श्रीवास्तव जी द्वारा ट्रेनिंग दी गई, जिसमें कई नवाचारों का प्रयोग करके कैसे आसानी से बच्चों को सिखाया और पढ़ाया जा सकता है के बारे में विस्तार से बताया गया था। कोविड-19 की महामारी के चलते हुए भी
हमने ऑनलाइन क्लासेस ली, बच्चों को जितना हो सकता था हमारे से हमने कोशिश की कि हम उन तक अपनी बात पहुंचा सके, उनको आसानी से चीज़ों को समझा सके, संभव जितना हो सकता था हमने उतना किया। परंतु इस वर्चुअल ट्रेनिंग से हमें ये पता चला कि बच्चों के ऑनलाइन बच्चों को जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हमें कैसे पढ़ाना है और कितने अच्छे तरीकों से सरल बनाकर पढ़ाया जा सकता है। इस वेबिनार में हमें बताया गया कि हमें ऑनलाइन क्लासेस लेते समय किन किन चीज़ों का प्रयोग करना है और किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए किस किस नवाचार का प्रयोग किस समय करना है, इस बारे में हमारे को विस्तार से बताया गया। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस महामारी में भी उन्होंने हमारे देश के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा और हमें इतनी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग दी तथा हमारे साथ खड़े रहे। इस समय श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा हिमाचल के काफ़ी सारे अध्यापकों को ट्रेनिंग दी गई है और दी भी जा रही है, और जो हम सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। जब प्रत्येक शिक्षक आपके द्वारा दिए गए नवाचारों का प्रयोग करेंगे और स्वयं से निर्मित नवाचारों का भी प्रयोग करेंगे तो शिक्षा में गुणवत्ता अवश्य आएगी, ऐसा मुझे लगता है। हमारा विद्यालय भी रोल मॉडल बन सकता है क्योंकि यहाँ के बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों के प्रति काफ़ी जागरूक हैं, और यदि यदि आपके नवाचारों का प्रयोग करके इन बच्चों को सरल और उचित शिक्षा मिले तो हमारे अध्यापक और बच्चों बच्चे शिक्षा में और भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। श्री अरविंदो सोसाइटी से अनुरोध है कि वे हम सभी अध्यापकों का इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहें और हमें ट्रेनिंग करवाते रहें, जिससे आने वाले भविष्य को तैयार करने में अध्यापक अपना 100% सहयोग दे सके। अंत में मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को मुझे इस मंच ये मंच प्रदान करने के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।